सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक की आणविक थ्योरी किसने दी थी? तो ऑप्शन है एनवाइन, वेबर, फेराडे और लास्ट है फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबर ने चुंबक की आणविक थ्योरी जो है वो वेबर ने दी थी। और नेक्स्ट है, फ्री स्पेस की परमिबिलिटी कितनी होती है? तो ऑप्शन है 4π × 10⁻⁹ हेनरी पर मीटर और ऑप्शन बी है 4π × 10⁸ हेनरी पर मीटर और नेक्स्ट ऑप्शन है 4π × 10⁷ हेनरी पर मीटर और ऑप्शन डी है 4π × 10⁶ हेनरी पर मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परमेबिलिटी की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन है हेनरी पर मीटर, फेरेड पर मीटर, उपरोक्त में से कोई इकाई नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिनकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है डाईमैग्नेटिक, बाइपोलर, पैरामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाईमैग्नेटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों में क्या कम करने की दृष्टि से लेमिनेटेड कोर प्रयोग की जाती है? हिस्टेरिसिस हानिया, एडी करंट हानिया, कॉपर हानिया, उपरोक्त सभी हानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडी करंट हानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स विद्युतीय सर्किट की किस मात्रा के समान है? तो EMF, करंट, वोल्ट, वोल्ट में एम्पियर और पावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, EMF। तो नेक्स्ट है, रिलेटिव परमेबिलिटी इकाई से कम किस में होती है? नॉन फेरस पदार्थ, फेराइट, डायमैग्नेटिक पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमैग्नेटिक पदार्थ। तो नेक्स्ट है, हिस्टेरिसिस हानिया सबसे कम किस पर निर्भर करती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वातावरण के तापमान, पदार्थ के आयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण के तापमान पर। नेक्स्ट है, आयरन कोर में एक्साइटिंग फील्ड हटा लेने के बाद भी चुंबक शेष रह जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? परमेबिलिटी और परमेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परमेबिलिटी। तो नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स को बनने का विरोध करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रिलक्टेंस, परमेस, रिलेक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलक्टेंस। और नेक्स्ट है, रिलक्टेंस का इकाई है हेनरी, वन हेनरी पर मीटर, मीटर हेनरी। तो इसका हो जाएगा हेनरी स्क्वायर। तो नेक्स्ट है, दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती होता है? तो ऑप्शन है, एक कंडक्टर का करंट, दोनों कंडक्टर के करंट के गुणनफल, दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी, कंडक्टरों के अर्धव्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी। तो नेक्स्ट है, दो एयर कोर कॉयलों के बीच कपलिंग का कोएफिशिएंट किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन है, केवल दोनों कॉयलों के बीच म्यूचुअल इंडेक्स पर, केवल दोनों कॉयलों के सेल्फ इंडेक्स पर, दोनों कॉयलों के म्यूचुअल इंडेक्स और सेल्फ इंडेक्स पर और लास्ट ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कॉयलों के म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम अपनाते हैं, दाएं हाथ का कॉर्कस्क्रू नियम अपनाते हैं, उपरोक्त दोनों नियम अपनाते हैं, उपरोक्त में से कोई नियम नहीं अपनाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि करंट एक कागज की प्लेन में अंदर जा रही हो तब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज दिशा में होगी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी, एक सीधी रेखा में होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लॉकवाइज दिशा में होगी। और नेक्स्ट है, यदि करंट एक कागज की प्लेन से बाहर जा रही हो तब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज दिशा में होगी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी, एक सीधे रेखा में होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक साधनों में बिजली से चलने वाले साधन अधिकतर किस पर निर्भर करते हैं? तो ऑप्शन है उपयुक्त चुंबकीय डिज़ाइन, उपयुक्त विद्युतीय डिज़ाइन, उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, स्टील को चुंबकीय बनाना कठिन है क्योंकि स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक है, इस पर जंग जल्दी लग जाता है, इसकी परमेबिलिटी कम है, इसकी परमेबिलिटी अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी परमेबिलिटी कम है। तो नेक्स्ट है, स्टीनमेंट्स हिस्टेरिसिस नियम के अनुसार किसी पदार्थ में हिस्टेरिसिस हानि निम्न के समानुपाती होती है? तो ऑप्शन है बी 2.2, बी 1.6, बी 2.6, बी 1.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी 2.2। तो नेक्स्ट है, यदि चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना की जाए तो निम्न युग्म में असमानता किस वर्ग में है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रस और रेजिस्टेंस, एमएमएफ और ईएमएफ, ईएमएफ फ्लक्स तथा करंट बहाव, परिमेयस और कंडक्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लक्स तथा करंट बहाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसे हल्के से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह चुंबकत्व। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम निम्न ज्ञात में से क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है? फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने, जनरेटर के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने, मोटर में धारा की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरित ईएमएफ की दिशा। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण एक चुंबक का नहीं है? तो ऑप्शन है, पृथ्वी के उत्तर दक्षिण ध्रुव के सापेक्ष एक स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ चुंबक नियत स्थिति में गति करता है। ऑप्शन बी है, प्रेरण द्वारा निकटतम चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व उत्पन्न करता है। और ऑप्शन सी है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी है, पदार्थ जैसे लोहा और इस्पात को आकर्षित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक को गर्म किया जाए तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं, चुंबकीय गुण बढ़ जाते हैं, चुंबकीय गुण कम हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबकत्व ग्रहण नहीं कर सकता है? ऑप्शन है, स्टेनलेस स्टील, निकल कोबाल्ट मिश्र धातु, हाई स्टील, सॉफ्ट आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्ट आयरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों की परमेबिलिटी मुक्त वातावरण की परमेबिलिटी से कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं, ऑप्शन ए है डायमैग्नेटिक, बाइपोलर, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमैग्नेटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सर्किट का मैग्नेटोमोटिव फोर्स विद्युत सर्किट के किस मात्रा के समान है? तो ईएमएफ
करंट वोल्ट एम्पियर पावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईएमएफ। और नेक्स्ट है पारगम्यता की इकाई है एम्पियर टर्न, कोई इकाई नहीं होती, वेबर पर मीटर टेस्ला। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई इकाई नहीं होती। तो नेक्स्ट है यह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अभिलंब हो और केंद्र से होकर गुजरती हो उसे कहते हैं रेखा चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय वेक्टर, चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष। तो लास्ट क्वेश्चन है कौन विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है, कॉलिंग बेल, विद्युत आयरन, प्रोटेक्टिव रिले, ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत आयरन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।